चलिए अब बात करेंगे ऐसे पाउडर की जो न केवल लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा बल्कि उसने खेतों की उर्वरा शक्ति पर भी ग्रहण लगा दिया है। तो जालौर में एक ऐसा पाउडर है जो न केवल लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है बल्कि इसकी वजह से खेतों की उर्वरा शक्ति भी छीण हो रही है। प्रशासन से शिकायतें भी की गई हैं लेकिन न जाने कैसी मजबूरी है कि कार्रवाई नहीं हो रही। जालौर जिले में ग्रेनाइट उद्योग बड़े स्तर पर है जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी खूब मिला, पर अब ग्रेनाइट उद्योग से निकलने वाला स्लरी पाउडर लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। शहर में स्लरी पाउडर के पहाड़ खड़े हो रहे हैं। स्लरी हवा से उड़कर आसपास की सारी जमीन पर फैल जाती है और जो भी आसपास से गुजरता है उसके श्वास के जरिए उसके शरीर में घर कर जाती है। फेफड़ों आँखों के लिए ये पाउडर धीमे जहर से कम नहीं है। इतना ही नहीं, इस पाउडर की वजह से फेफड़ों में होने वाले रोग सिलिकोसिस की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। हम भी इस रोड पे ही चलते हैं, आम जनता इस रोड पे चलती है, उनको जो परेशानी है वो हमको भी परेशानी है। तो जल्दी से जल्दी हम तो यही कोशिश करेंगे, ये जो स्लरी का ये जगह जगह जो फेंक के जाते हैं, रोड पर स्लरी आ गई है और जहाँ जहाँ ये स्लरी जाती है तो पेड़ पौधों को भी नुकसान होता है। तो कोशिश करेंगे कि इसके लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाए जिससे कि स्लरी कम हो जाए और वो प्रोडक्ट फिर लोगों के घरों में काम आए, घर बनाने में काम आए। जालौर के ग्रेनाइट फैक्ट्रियों का जो सेकंड फेस है वहाँ पर खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ग्रेनाइट फैक्ट्री से निकलने वाला जो स्लरी है वो कितना लंबे एरिए में फैला हुआ है। यहाँ पर जो स्लरी के आसपास पूरी कॉलोनी बसी हुई है और कॉलोनी के और स्लरी के पास में ही जालौर बागोड़ा हाईवे का जो मुख्य रोड है वो यहाँ से निकलता है और उस सड़क पर रोजाना सैकड़ों वाहन निकलते हैं और वाहनों से स्लरी उड़ती है और उस जाके हवा के साथ में आसपास कॉलोनी में रहने वाले निवासियों के श्वास के साथ फेफड़ों में पहुंचती है और डॉक्टरों की माने तो इस स्लरी से कई प्रकार की श्वास संबंधी बीमारी होती है। लेकिन प्रशासन इस बारे में कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। डंपिंग यार्ड की मांग बहुत पहले से लोग कर रहे हैं लेकिन प्रशासन डंपिंग यार्ड नहीं बनवा रहा है। ऐसे में स्लरी का पार खड़े होते जा रहे हैं और लोगों की बीमारियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शहर के ग्रेनाइट उद्योग के तीसरे फेज में तो स्थिति और विकराल है। स्लरी का पहाड़ बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। रोजाना बड़े बड़े 30 से 40 टैंकरों में भरकर स्लरी खाली कर रहे हैं जो कि स्वास्थ्य के साथ साथ खेतों के लिए भी घातक साबित हो रही है। पाउडर से खेतों की उर्वरक क्षमता खत्म हो रही है, किसान परेशान है। खेत नष्ट होने से किसानों के सामने अब रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, पर ग्रेनाइट उद्योग से कमाई करने वालों को लोगों की फिक्र कहाँ है। उनको तो इसमें कोई खतरा ही नजर नहीं आता। और जो पाउडर बनता है वो पानी से ही बनता है, तो पानी से जो पाउडर बनता है वो एक मिट्टी है और किसी के भी खेत में चली जाती है तो कोई फसल को नुकसान नहीं करती है, कोई भी पर्यावरण को मतलब दूषित नहीं करती है। इसलिए जो भी लोग कहते हैं कि मतलब इसमें पर्यावरण को नुकसान हो रहा है या पॉल्यूशन फैल रहा है तो ये सरासर गलत है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। भले आप पाउडर को मतलब लेबोरेटरी में टेस्ट करवा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। तो जो ये सिलिकोसिस बीमारी है इसमें ये होता है कि जो भी स्लरी होती है या जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं जो माइंस में काम करते हैं या ग्रेनाइट इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वो जो स्लर है वो जब फेफड़े में जाता है, सांस नली में जाता है तो खांसी, बुखार, कफ रेगुलर आना शिकायत का रहता है और ऐसा होने पे ज़्यादातर यहाँ की परंपरा में टीबी से उसको जोड़ा जाता है जबकि वो टीबी की बीमारी नहीं होती और वो एक अलग तरह की बीमारी है। रिको एरिया में आने वाली फैक्ट्रियों के लिए डंपिंग यार्ड है, पर करीब 800 फैक्ट्रियों की स्लरी भी रिको के डंपिंग यार्ड में डाल रहे हैं। जिले में अब तक स्लरी से होने वाली सिलिकोसिस की घातक बीमारी की चपेट में आने वाले 30 मरीजों को चिन्हित किया गया है जो सरकारी आंकड़े हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सिलिकोसिस बीमारी की चपेट में हैं, पर उन तक जांच नहीं पहुंची है, यानी मौत का छिपा खेल चल रहा है और संबंधित अधिकारी मौन है। जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग, प्रदूषण कंट्रोल विभाग सब चुप्पी साधे हैं। हमें ग्रेनाइट वेस्ट 1200 इंडस्ट्री हैं जिनमें से 375 के लगभग रिको एरिया में स्थित हैं।
रिकवरी में जो फेंकते हैं उनके लिए ढाई एकड़ जमीन थर्ड फेज में, वह चार बीघा जमीन फर्स्ट सेकेंड फेज में डंपिंग यार्ड के लिए दे रखी है और इनका रख रखाव वर्तमान में इनका रख रखाव ग्रेनाइट एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। हमारे जो जमीन है ना सर, पूरी बंजर हो गई सर, पाउडर के कारण सर। नहीं, काफी सालों से पाउडर आ रहा नहीं है आपका, कभी आज दिन तक बंद हुआ नहीं। हमने कई बार प्रशासन भी बोला और बालू साहब अभी तो अभी अध्यक्ष बना है तो उनको भी कई बार बोला, लेकिन चार दीवार बनाए लेके बोला था, अभी तो हो नहीं रहा है। नहीं, डेली के सर 300 टैंकर डाले जाता है पानी के पाउडर के सर। जालौर शहर के अंदर ग्रेनाइट की लगभग 1200 फैक्ट्रियां है और अब हम खड़े हैं जालौर के थर्ड फेज में, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि स्लरी का पूरा पार है और मैं खेत में खड़ा हूँ। वहाँ पर खेत की जो स्लरी है जो हवा के साथ उड़कर आती है और वो खेत पूरी तरह तबाह हो चुका है। उसमें किसान का कहना है कि इसमें फसल हो नहीं रही है और खेत में कम से कम एक एक डेढ़ डेढ़ फीट स्लरी की जो परत जम गई है। ऐसे में स्लरी से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। स्लरी के जो आसपास पहाड़ों के आसपास जो खेत है वो पूरी तरह बंजर हो रहे हैं, किसान मतलब बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह से डंपिंग यार्ड बनाने की कोई कवायद नहीं कर रहा है। मांगीलाल गहलोत, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालौर।